बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ डॉक्टर अब्दुल वहाब। मैं आज डेंटल फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए डेंटल एनेस्थीसिया टेक्निक सिखाऊंगा कि डेंटल एनेस्थीसिया पेशेंट को किस तरह लगाते हैं। हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में लोकल एनेस्थीसिया, आज मैं उनका टेक्निक बताऊंगा कि लोकल एनेस्थीसिया पेशेंट को किस तरह लगाते हैं। ठीक है, तो उनका टेक्निक मैं शॉर्टली 2 to 3 या 5 मिनट में बता दूंगा। ठीक है, आप इसको मतलब टेक्निक को पूरी अच्छी तरीके से देखें। सबसे पहले जब पेशेंट आता है कोई भी डेंटल प्रोसीजर के लिए, ठीक है, तो वो पैनिक कंडीशन में आता है, उसको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। जब आप उसका कोई भी प्रोसीजर करते हो तो उससे पहले उसको आप लोकल एनेस्थीसिया देते हो। लोकल एनेस्थीसिया से क्या होता है कि वो एरिया शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए नम्ब हो जाती है। जब एरिया नम हो जाती है तो नमनिंग की वजह से, जो नमनिस है उसमें आप फिर डेंटल जो प्रोसीजर है वो कर सकते हो पेन फ्री इन्वायरमेंट में। फिर पेशेंट का जो प्रोसीजर है, मतलब आपका जो लोकल एनेस्थेटिक का इफेक्ट है, उसमें आप उसको पेन फ्री में कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया लगाऊंगा, उसके लिए मेरे पास लोकल एनेस्थेटिक होना चाहिए, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट प्लस निडल और पेशेंट कंसल्टेशन। पेशेंट से मैं कंसल्ट करूंगा कि मैं आपको एनेस्थीसिया लगा रहा हूं डेंटल प्रोसीजर के लिए, इससे आपको कोई मसला नहीं होगा, इजाज़त है? जी सर, इंशाल्लाह। ठीक, गुड। पेशेंट ने जब मुझे कंसल्टेशन में इजाज़त दी, परमिशन दी कि मतलब हाँ तुम लगा सकते हो, फिर उसके बाद मैं लोकल एनेस्थीसिया रेडी करूंगा। मेरे पास जो लोकल एनेस्थेटिक होगा वो मैं उठा के, मतलब जो गन होता है एनेस्थीसिया गन, उसमें कार्ट्रिज लगा के उसको चेक करने के बाद कि निडल ब्लॉक वगैरह तो नहीं, उसके बाद मैं पेशेंट से कहूँगा कि मुंह खोले, बड़ा मुंह खोले। सबसे पहले मैं थंब फिंगर से बोन फील करता हूँ। ठीक है, मुझे बोन फील हो गया, ठीक है, रेमस का पता चल गया। फिर उसके बाद मैं निडल को अपोजिट साइड से 2/3 इंसर्ट करूँगा। ठीक है, 2/3 मैंने इंसर्ट कर लिए, उसके बाद मैं एनेस्थेटिक ड्रॉप्स डाल दूंगा, जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स है वो ड्रॉप करता जाऊंगा। जब सारा कार्ट्रेज, मतलब जो लोकल एनेस्थेटिक था वो ख़त्म हो गया, तो आराम से निडल को मैंने रिट्रैक्ट किया। ठीक है, फिर पेशेंट को मैंने कहा कि मुंह बंद करे। फिर अभी इसके बाद बारी आती है कि लोकल एनेस्थीसिया जो हमने लगाया क्या ये इफेक्टिव हो गया कि नहीं। तो इफेक्टिवनेस के लिए सबसे पहले हम पेशेंट से कहते हैं कि आपकी ये जगह बारी हुई? यस सर, हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद पेशेंट से फिर कंफर्म करते हैं कि आपकी नीचे हॉर्न मतलब बारी हुए? यस सर। फिर जुबान का पता करता हूँ कि जुबान बारी हुआ, तो इसका मतलब है कि जो मैंने लोकल एनेस्थीसिया जो ब्लॉक लगाया वो इफेक्टिव है। अभी आप जो प्रोसीजर है वो कर सकते हो, कोई भी प्रोसीजर, मतलब एक्सट्रैक्शन है, फिलिंग है, आरसीटी है, जो डेंटल प्रोसीजर है पेशेंट का वो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारे पास लोकल एनेस्थीसिया टेक्निक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ काइंडली मेंशन करें कमेंट में, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर कर सकूँ।